नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, 82 किलोमीटर लंबाई के मावली बड़ी साधड़ी गेज कन्वर्जन कार्य को हाल ही में पूरा कर लिया गया है। फरवरी महीने में इसका पश्चिमी सर्कल के CRS श्री आर के शर्मा जी के द्वारा निरीक्षण किया गया था तथा स्पीड ट्रायल भी इस पर लिया गया था। सभी तैयारियां रेलवे की संतोषजनक पाई गई। इसी के आधार पर फिट सर्टिफिकेट इसका जारी कर दिया गया था। आने वाले समय में इस सेक्शन पर ट्रेनें चलाई जाने हेतु तैयारी उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा की जा रही है। शुरुआती तौर पर कुछ प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजे गए हैं। रेलवे बोर्ड उन पर आने वाले समय में कार्यवाही कर सकता है। गौरतलब है कि क्षेत्रीय सांसद श्री सीपी जोशी जी के द्वारा भी समय समय पर इस रेलवे लाइन की मांग उठाई जाती रही है। वहीं उनके द्वारा हाल ही में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से भी मुलाकात करके इस सेक्शन का शीघ्र उद्घाटन करने एवं ट्रेनें चलाने संबंधी मांग पत्र सौंपा गया था। जो CRS निरीक्षण लिया गया था उस दौरान मामूलिया खामी पाई गई, वहीं बाकी ट्रैक को सही पाया गया था। 2 महीने से करीब विभागीय गतिविधियां इसकी पूरी की गई हैं तथा इस पर समय समय पर ट्रेनें मालगाड़ियां चलाकर ट्रायल भी लिया गया है। अब यह सेक्शन बिल्कुल फिट पाया गया है तो इसको देखते हैं। जल्दी उम्मीद की जा रही है कि रेलवे बोर्ड जो उनके पास ट्रेनों के प्रस्ताव आए हैं उस पर कार्यवाही कर सकता है, जिसमें कि प्रमुख रूप से क्षेत्रवासियों की मांग है कि सुबह के वक्त बड़ी सादड़ी से उदयपुर के लिए ट्रेनें चलाई जाएं ताकि जो जल्दी पहुंचकर अपना कार्य वहां पर लोग निपटा सके तथा वापसी में एक ट्रेन शाम के समय उदयपुर से बड़ी सादड़ी के लिए चलाई जाए। वहीं इसमें एक समस्या सामने यह आ रही है कि जो बड़ी सादड़ी स्टेशन है वहाँ पर ट्रेनों के मेंटेनेंस, चार्जिंग और पानी भरने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो इस वजह से सुबह के वक्त यहाँ से ट्रेनों का संचालन नहीं हो पाएगा। तो इस स्थिति में ट्रेन बड़ी सादड़ी दोपहर के वक्त मावली या उदयपुर से आ सकती है, लेकिन यहाँ से संचालन करने में यही प्रमुख समस्या आने वाले समय में सामने आ सकती है। इसको देखते हुए रेलवे को इस पर कोई विशेष तैयारी करना चाहिए ताकि सुबह के वक्त बड़ी सादड़ी से ट्रेनों का संचालन किया जा सके। वहीं सेक्शन में विद्युतीकरण कार्य भी तेज गति से चल रहा है। भिंडर के आगे तक यह कार्य पहुंच चुका है। इसकी अपडेट हम आने वाले समय में आपको बताएंगे। इस बारे में आपके क्या विचार हैं कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।